Calcium is a mineral your body needs to build and maintain strong bones and to carry out many important functions. हेलो, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं हेल्थ अनकट। कैल्शियम हमारी बॉडी का मोस्ट अबंडेंट मिनरल है जो हमारी बोन्स और टीथ्स को स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैल्शियम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंजलि हुड्डा। व्हाई कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड हाउ डज इट फंक्शन। कैल्शियम भी एक बॉडी का मिनरल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और मोस्टली लोग जानते हैं कि बोन्स और टीथ में कैल्शियम का कितना बड़ा रोल है, बट फिर भी थोड़ा सा इस पर एम्फोसाइज करना ज़रूरी है क्योंकि ये पता नहीं होता लोगों को कि टीथ का जो कैल्शियम है वो टीथ में रहता है और बोन्स का कैल्शियम जो है बॉडी यूज़ करती है। सो इसीलिए विद टाइम कैल्शियम की कमी शुरू हो जाती है, लेकिन नॉट इन एवरीबडी बट मेनली इन ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर ये ऑस्टियोपोरोटिक वीमेन हैं जिनकी बोन जो है ना जाली की तरह हो जाती है, मतलब छनने लग जाती है, तो वो होता है कैल्शियम डिप्लीशन होती है बोन से। तो कैल्शियम की कमी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कैल्शियम की रिप्लेसमेंट कब और किन सिचुएशंस में करनी चाहिए? कैल्शियम को कई बार रिप्लेस करना बड़ा ज़रूरी होता है, पर कई बार कैल्शियम की रिप्लेसमेंट की बजाय खाने से भी कैल्शियम हम दे सकते हैं बॉडी को। कैल्शियम रिप्लेसमेंट जनरली अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तब भी किया जाता है इन अ रेगुलर बेसिस, अनलेस एक बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन है, उसके अलावा कैल्शियम की रिप्लेसमेंट नहीं की जाती। और क्योंकि कैल्शियम बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन या जो बच्चा लंबा नहीं हो रहा तो उसको कैल्शियम दिया जाता है ऑब्वियसली लेवल्स टेस्ट करने के बाद। कैल्शियम की एक्सेस से बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कैल्शियम की एक्सेस हो जाती है उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड टेटनी, विच इज़ द मसल गो इन टू टेटनी, मतलब कॉन्स्टेंट फायरिंग ऑफ मसल्स, एंड दैट कैन हैपन टू द हार्ट एंड अदर मसल्स। सो कैल्शियम की टॉक्सिसिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कैल्शियम की कमी है। अगर आपने किसी को कैल्शियम थेरेपी पे डाला है, जो भी आपका डॉक्टर है वो आपका मेजर करेगा आफ्टर 2 months 3 months की कितना आपका कैल्शियम है। ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा कैल्शियम यूज़ होता है, काफ़ी हाई डोज दिया जाता है, और जो नॉर्मल अगर मान लो थोड़ी बहुत कैल्शियम की कमी है, बोन पेन्स एंड ऑल, वो कैल्शियम एंड विटामिन डी का कॉम्बो होता है। और एक वर्ड आई वॉन्ट टू ऐड अबाउट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड इट्स ऑफन निग्लेक्टेड मिनरल। कैल्शियम बॉडी के लिए बेहद जरूरी है, ये तो ठीक है, बट कितने कैल्शियम की आपकी बॉडी को नीड है ये जानना ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अकॉर्डिंगली आप अपनी डाइट में उतना ही कैल्शियम परसेंटेज रखें। सो फॉर मोर सच हेल्थ रिलेटेड टिप्स आप सब्सक्राइब कीजिए अनकट को YouTube, Facebook और Instagram पर। ABP अनकट हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। शुक्रिया, आप देख रहे हैं अनकट।